जहां कोरोना ने प्रदेश सहित जिला भर में हड़कंप मचा रखा है, वहीं घुमारवीं उपमंडल में कई गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी ही पंचायत महारण के गांव मलोट की है, जहां 15 महीने से कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस गांव के आसपास ऐसे भी कई गांव हैं जहां कोरोना ने खूब कहर ढाया है। इसके बावजूद मलोट गांव में कोरोना दस्तक नहीं दे पाया। मलोट गांव के लोग अन्य गांव वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ये सब गांव के लोगों की जागरूकता से ही संभव हो पाया है। वहीं यहां की स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिता देवी भी समय समय पर अपने काम में जुटी रही और लोगों को अवगत करवाती रही तथा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जाता रहा और एहतियात बरतने का आह्वान भी किया गया। अनिता देवी गांव लोट में कार्यरत हूँ। मेरे गांव में 2 साल से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया अभी तक। मैंने लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया और जो भी लोग बाहर से आए उन्हें होम आइसोलेशन में रखा, 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया। इसलिए मेरा गाँव अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसों से बचा हुआ है। स्थानीय गांव के लोगों का कहना है कि हिमाचल में मार्च 2019 में कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे। उसी दौरान उन्होंने सावधानी बरतना भी शुरू कर दी थी। कोविड के बचने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग किया, बिना हाथ धोए मुंह को नहीं पहुंचा तथा शादी ब्याह में भी सीमित संख्या में लोगों ने भाग लिया। यदि बाहर से कोई व्यक्ति आता था तो पहले अपना टेस्ट करवाता था, रिपोर्ट आने पर ही उसे घर जाने दिया जाता था। इन एहतियातों को बरतते हुए ग्रामीणों ने खुद को और दूसरों को भी इस महामारी से बचा कर रखा। मैम लोट गांव जो बहाड़ी उप तहसील के अंडर आता है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी को आए हुए 15 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें आज तक एक भी केस नहीं आया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि हम जितने भी गांव के लोग हैं वो सारे के सारे स्वच्छता के प्रति जो हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और कोरोना के जो नियम हैं उनको हम पूरी तरह पालन करते हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। हर तरह के जो भी नियम सरकार ने दिए हैं हम उनका पालन करते हैं और हर इंसान जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ पे उन सब ने इसका पालन किया है। और सबसे बड़ा कारण इसका ये रहा है कि हम सब लोग एकजुट होकर के स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आज तक एक भी भगवान की कृपा से कोई भी केस नहीं आया है। धन्यवाद। मंडल में कुछ ऐसे ग्राम हैं जिनमें आज तक कोरोना की महामारी ने दस्तक नहीं दी है और इसमें जो है वो हमें लोकल लोगों का, हमारे स्वास्थ्य विभाग का, सबका सहयोग है। इसी कारण जो है वो आज तक ये महामारी वहाँ पे दस्तक नहीं दे पाई। लोगों ने जो है इन गाँव में जो है कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वह हैंड सैनिटाइजेशन की टेक्निक्स, और ये गांव और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।